कारगिल विजय दिवस पर आज कारगिल योद्धाओं का के समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सम्मान किया गया। जुलाई 1999 कारगिल युद्ध में कई हमारे देश के योद्धा शहीद हुए। आज इसी क्रम में फिरोजाबाद में कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 3 योद्धाओं का सम्मान हुआ। जुलाई 1999 से जुलाई 2020 तक एनडीए और यूपीए की सरकार रही, लेकिन सीमा सुरक्षा मामले में हम आज भी 100% अंकों के अधिकारी नहीं है। हम चीन, पाकिस्तान और आतंक के हमसायों से तब तक नहीं जूझ सकते। आज कारगिल दिवस है और आप लोगों ने यहाँ आकर सम्मान दिया है कि कितने फौजी भाई हैं और किस तरीके से आप लोगों ने सम्मान दिया? हम लोगों की भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीमान बद्री विशाल जी माथुर चेयरमैन जी के दिशा निर्देशन में हम लोग आज ग्राम मिलिक के अंदर 3 फौजी भाइयों का कारगिल विजय दिवस के रूप में 3 फौजी भाइयों को सम्मान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और जो बाहर से हमारे श्रमिक भाई हैं जो दिल्ली, नोएडा, मथुरा, मुंबई में कार्यरत थे, वो लोग थोड़े से आज उनकी जीविका बचाने के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उनको वितरित की गई है इस विजय दिवस के रूप में। कैसा लग रहा आज यहाँ पर आप लोगों ने सामग्री वगैरह की है? लगभग कितने लोग थे उन लोग, कितने लोगों की है? लगभग यहाँ पर 50 से लेकर 60 लोग हैं जो हम लोगों के बीच में हैं, और 3 जो हमारे वीर सैनिक हम लोगों के बीच में हैं वो उसमें से 1 कारगिल योद्धा हैं जो कारगिल का युद्ध लड़ने के लिए आए हुए थे। आज ग्राम मिलिक में जो फिरोजाबाद तहसील के अंतर्गत आता है, हमने कारगिल दिवस के मौके पर 3 फौजी भाई जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका सम्मान किया। साथ ही कोरोना जो वैश्विक महामारी फैली हुई है उसके लिए गांव के लोगों को जागरूक किया, यहां पर सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किया है, और करीब 40 लोग जो यहां असहाय लोग थे उन्हें हमने भोजन सामग्री का वितरण किया है। धन्यवाद। मेरा नाम हवलदार वीरेंद्र सिंह, एक्स आर्मी से रिटायर हूँ, फौजी हूँ मैं। यहाँ पर मेरा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मेरा स्वागत किया, इससे मैं बहुत 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 खुश हूँ और इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जो शहीद दिवस है, कारगिल दिवस है, ये इसको हम बहुत खुशी से और हमारा दिल एकदम बहुत खुश होता है, जो कि हमारा ये आज का दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे यादगार है, क्योंकि उस लड़ाई के दौरान मैं भर्ती होकर के मैं भी कारगिल में द्रास सेक्टर में तैनात था। मेरी रेजिमेंट बनभोत्री थी, हम लोग वहाँ पर आरटी सपोर्ट किया था हमने, और हम लोग 2 साल में द्रास सेक्टर में रह के आया हूँ और अभी 19 साल 9 महीने नौकरी कर करके मेरे फौज से रिटायर होकर अपनी सेवा समाप्त करके घर पे आ गया हूँ। और जो मेरा सम्मान किया है आप लोगों ने, बहुत ही बहुत धन्यवाद है इनका, और बहुत अच्छा कार्य किया है और ये मदद कर रहे हैं गरीब लोगों का, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद है और मेरे को बहुत अच्छा लगा है। पहले टेक्निकल इतनी चीज़ नहीं थी, आजकल तो टेक्निकल चल रहे हैं, पर पहले की लड़ाई में अभी बहुत जमीन आसमान का फर्क है, अभी बहुत अच्छा है, अभी लड़ने के लिए भी अच्छा है। हमारे पास भी आरटी के पास, एयरफोर्स के पास में फाइटर विमान उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे जो योद्धा शहीद हुए हैं उनको तो कभी उनकी याद भुलाई नहीं जा सकता है, उन्होंने जो बलिदान दिया है उसको तो अपने जीवन में कोई हम नहीं कि पूरा भारत देश नहीं भुला सकता है। हमारे देश ने जो अपनी खोई है, जो बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, और बहुत खुशी है हमारे खुशी। जो हैं भैया कारगिल दिवस पे हैं वो कारगिल में हैं, अपनी ड्यूटी बढ़िया से करें और सतर्क रहें और अच्छे रहें, यही हमारी कामना है।